ऐसा किसी को आरोपित करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। ये पूरी जनता को पता है और सबको पता है कि किसने क्या किया। वो हमारे यहाँ गेस्ट हैं, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि हमने किया हमारे हिसाब से, और जो कमी खामियाँ रह गई उनको वो पूरी करें। पहली बार एक नई पार्टी देखने को मिली, मीसा बनने को सम्मानित किया गया। तो मैं अभी इनकी मर्जी है, क्योंकि बिना अब वैसे तो अपन देख रहे हैं जिन लोगों ने आज़ादी के अंदर अपनी निकट है वो तो राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया वो तिरंगा फहरा रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब का संविधान 30 साल तक नहीं मारा वो संविधान के भक्त बन रहे हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन है, लेकिन जनता सब जानती है कौन किस बहाना से काम कर रहा है। जनता का प्रकृति का नहीं है, प्रकृति सब जानती है, जनता भी सब जानती है, दोनों सब जानते हैं। सामान्य सब जवाब दे देंगे। अभी लोकसभा चुनाव सभी को जवाब दिया है जनता ने, अभी मध्यावधि चुनाव है उसमें भी उनको जवाब मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-6 साल में पूरे देश में उनको जवाब मिल जाएगा। अब वास्तविकता क्या है और फर्जीवाड़ा क्या है, नेशनल प्रोग्राम में क्या इस तरह का किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देखो मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा, हमारे लिए सबको ये दिवस मुबारक हो। अच्छों को भी मुबारक हो, बुरों को भी मुबारक हो, राष्ट्रभक्तों को भी मुबारक हो, और सबको मुबारक हो। ये दिवस साथ में ही कहूँगा। सिस्टम मैं कहता हूँ कि पिछले 20-25 साल में बहुत अच्छी बरसात हुई है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि जो हमारे किल्लत थी पानी की उसका मैं समझता हूँ कि वो किल्लत दूर होगी। और कुछ समस्याएं आ रही हैं तो सरकार को उसके लिए काम करना चाहिए, न कि एक दूसरे को आरोपित करें, और उसमें काम करें कि क्या हम ऐसा सिस्टम करें ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। सीवर सिस्टम करें, जैसे सीवर सिस्टम की बातें अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि बजट में घोषणा थी कि भाई 50 करोड़ कौन सीवर सिस्टम के लिए देंगे। आपके माध्यम से आपको सबको पता भी है 2011-12 में इसी DPR बनी थी, और वो DPR 225 करोड़ की थी, 225 करोड़ की DPR थी वो। यहाँ एक्शन भी बैठ गया था जब BJP की गवर्नमेंट आई, तो हमारी DPR को निरस्त कर दिया था। ये DPR को निरस्त किसने किया था, यहाँ एक्शन भी बैठ गया था। अब मात्र 50 करोड़ दे करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। दौसा के सीवर सिस्टम के लिए 400 करोड़ रुपये अमाउंट चाहिए, इस बात मैं जानता हूँ। 50 करोड़ दे करके अब ऊँट के मुँह में जीरा और ऐसा मैसेज दे रहे हैं हम काम कर रहे हैं। जब आज से 10 साल पहले 225 करोड़ की DPR थी, तो 10 साल बाद में कितना अमाउंट होगा अपन सोच सकते हैं। देखिए सर, आपदा मंत्री ने एक बार भी जितने आए थे फील्ड में उतरे थे, 40 मिनट बाद में एक बार फिर अपने सोशल मीडिया से कैबिनेट मंत्री हटा दिए। देखो मैंने कल भी आपको बोला था, किरोड लाल जी हमारे सम्मानित नेता हैं, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, आंतरिक मामले उनके क्या हैं क्या नहीं है मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहता। जैसे OBC में गठबंधन की बात नहीं, पार्टी मेरे खड़े से न तो मंत्री पद पे उनको रखेंगे और न मेरे खड़े से मंत्री पद से हटाएंगे। मैं ये खिंचता हूँ, बड़े नेता हैं तो वो उनकी वो जाने, उनकी पार्टी जाने। बोलते नहीं हो कि आंतरिक गठबंधन है आप में? नहीं नहीं, ये गठबंधन कोई बात नहीं, मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, ये कोई गठबंधन नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो पार्टी का उनका मैटर है, लोकसभा चुनाव को देख करके हमको पता है क्या लड़ाई चल रही है, उनके क्या मैटर है क्या नहीं। हमारी पार्टी की बात हम करेंगे, उनकी पार्टी की बात वो करेंगे, और जनता सब तमाशे